फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एरिया के नेटवर्क सिग्नल की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जिस नेटवर्क का आपका आपके एरिया में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, यानी जो नेटवर्क आपके प्रॉपर घर में आता है, उसी नेटवर्क को आप यूज़ करें, और कि कैसे आप ख़राब नेटवर्क लेने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। अगर iOS यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है ओपन सिग्नल। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। टाइप करेंगे OPEN ओपन SIGNAL सिग्नल। ओपन सिग्नल इस तरीके से आइकन आपको दिखेगा, डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और मैं इस एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नेटवर्क कवरेज को जान सकते हैं और नेटवर्क स्पीड को भी जान पाएंगे। ये वर्ल्ड वाइड जितने भी मोबाइल नेटवर्क हैं उन सब की डिटेल आपको दिखा देगा, और ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है, सर्टिफाइड है इंडियन गवर्नमेंट से। डैशबोर्ड देख रहे हैं आप, इसके बाद स्पीड का आइकन है। स्पीड आपके बताएगा कितना आपका स्पीड आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि 4G 2G 3G कितने परसेंट आपको सिग्नल दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कवरेज के बारे में, ये लास्ट जो राइट साइड का जो कॉर्नर का आइकन है कवरेज का है, कवरेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सर्च लोकेशन सर्च करने को बोलता है। लोकेशन पहले आप ऑन कर दीजिए अपने मोबाइल की, मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए 4G। आजकल 4G का ज़माना है तो हम 4G कवरेज के बारे में आज जानेंगे। 2G को हटा दीजिए और देखिए सबसे पहले हम सर्च करते हैं एयरटेल। ठीक है, अब यहाँ पे एयरटेल आ रखा है, और जो मेरा एरिया है ये गोविंदपुरी कालका जी का, मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पे 1100019। सर्च किया, एरिया आ गया है, पिन कोड डालते ही एरिया आ गया है। यहाँ पे एयरटेल की कवरेज देख लेते हैं। देखिए एयरटेल का जो डाउनलोड स्पीड है 11.3 Mbps दिखा रहा है, और अपलोडिंग 3.2 Mbps। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि 4G कवरेज कितना है एयरटेल का। देखिए जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं कालका जी एक्सटेंशन, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, D5, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पर नेटवर्क है, और जहाँ पर खाली है वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, और जहाँ आपको रेड रेड दिखा रहे दे रहे हैं धब्बे टाइप के, वो नेटवर्क वीक नेटवर्क है। यानी कि जो एयरटेल का जो नेटवर्क है इस तरीके से 4G नेटवर्क दिखा रहा है ये। आप देखेंगे गोविंदपुरी एरिया में, ये ओखला फेस 2 देख रहे हैं आप इधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड गोविंदपुरी, गोविंदपुरी में नेटवर्क ही नहीं है एयरटेल का। देखिए बिल्कुल इन गलियों में जो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ के लोग गलियों में उतर के बात करते हैं, घर पे बात नहीं कर सकते अंदर, चाहे वो सेकंड फ्लोर ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड फ्लोर क्यों ना हो, उनको गली में उतर के बात करना होता है, सड़कों पे उतरना होता है बात करने के लिए। और मैं आपको कालका जी एक्सटेंशन दिखाऊंगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सपाट हो रखा है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, और जहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है केवल वहीं पर नेटवर्क है। ब्लॉक एच में, ब्लॉक बी, ब्लॉक ई, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, ब्लॉक सी में भी नहीं है, ब्लॉक A1 पॉकेट 40 में भी नहीं है। देखिए आप इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जिस एरिया में नेटवर्क सही है या ख़राब है, और उसी नेटवर्क के आप सिम लेंगे। अब मैं आपको वोडाफोन का दिखाता हूँ, चलिए जियो का दिखा देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, मैं अभी हम एयरटेल का नेटवर्क देख रहे थे गोविंदपुरी में, बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप जियो का देखिए गोविंदपुरी बढ़ा पड़ा है ग्रीन ग्रीन से, हालांकि रेड भी है, रेड उतना नहीं है, थोड़े सिग्नल वीक भी हैं, बट फिर भी जियो की जो 4G कवरेज है एयरटेल से कहीं बेहतर है। अब मैं आपको कालका जी एक्सटेंशन ले चलता हूँ, ब्लॉक ई में देख लीजिए, ब्लॉक डी में देख लीजिए, पूरा आपका इसमें
ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है, काफ़ी काफ़ी, मतलब एयरटेल से डबल और भी ट्रिपल कहूँगा मैं, ट्रिपल एरिया एयरटेल से ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए गोविंदपुरी एक्सटेंशन बिल्कुल ग्रीन है। इसका मतलब है कि जियो की जो नेटवर्क क्वालिटी है वो एयरटेल से कहीं बेहतर है 4G में। हालांकि जियो के पास अभी 2G 3G नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम जियो 4G कम 4G कंपेरिजन कर रहे हैं और 4G नेटवर्क कवरेज देख रहे हैं। देखिए आप ग्रेटर कैलाश भी देख सकते हैं, ग्रेटर पम्प ओशन क्ले पॉकेट ईडी, जहाँ भी आप ग्रेटर क्लास 2 देखिए बिल्कुल कवरेज है। और यहाँ पर मैं एयरटेल कवरेज दिखाऊंगा आपको, देखिए पूरा खाली हो गया ग्रेटर क्लास में, बिल्कुल धब्बा धब्बा, बिल्कुल बिल्कुल खाली दिखा रहा है। देखिए और यहाँ पर मैं जियो को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए कितना ग्रीन दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कहीं की भी नेटवर्क की क्वालिटी, नेटवर्क की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जान सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क बेटर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जियो है इस एरिया में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस में है और एयरटेल से कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस में है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ही जान सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी इसे वेबसाइट को खोल सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.opensignal.com। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इसी तरीके से जानकारी भरे वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपडेट्स के लिए, मोर अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।